कैसे हैं। तो आज फिर एक नया ब्लॉग लेके आए हैं और इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे गांव में कैसा कैसा घर रहता है, कैसे लोग अपना ज़िंदगी को जीते हैं और कैसा खेती होता है। तो आज हम आए हुए हैं एक नया जगह और काफ़ी खूबसूरत है। आप नज़ारा आप देख सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ है और बादल आप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा नीला पहाड़ है। और दोस्तों लोग के साथ आए हैं, काफ़ी फ़ोटो वोटो इधर क्लिक हो रहा है दोस्तों का और नज़ारा आपका इतना ज़बरदस्त है, लग रहा है कि दार्जिलिंग हम आ चुके हैं। बट ये दार्जिलिंग नहीं है, मेरे गांव का थोड़ा सा डिस्टेंस एरिया भी आए हैं और काफ़ी देहात एरिया खेती बाड़ी होता है और चारों तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी हरियाली। और ये साइड में अभी जोता हुआ, यहाँ पर धान होगा, बारिश की वजह से अभी धान नहीं हुआ है। और ये साइड देखिएगा तो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और आगे हम जाएंगे और वहाँ पे आपको दिखाएंगे गांव में कैसे छोटा छोटा घर रहता है और कैसे लोग वहाँ पे रहते हैं, कैसे खाना बनाते हैं और कैसे अपने जीवन को जीते हैं, वो चीज़ अभी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू रहें और काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि हर इंसान को सादगी पसंद है, क्योंकि शोर शराबा शहर में रह के इंसान बोर हो जाता है। तो चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अभी जाते हैं आगे और दिखाएंगे अच्छी अच्छी चीज़ और अच्छे अच्छे लोगों से भी मिलाएंगे। ये सब गांव है, कलेक्टर गांव में छोटा सा ये घर देख सकते हैं, अल्बेस्टर लगा हुआ है। इससे भी अच्छा खूबसूरत आपको खपड़ा परोस अभी घर दिखाएंगे। देहात अभी आ चुके हैं, पूरा देहात एरिया, रोड काफ़ी ख़राब है। ये कच्चा रास्ता होते हुए अभी एक गांव जा रहे हैं और वहां पे आपको नज़ारा आपको दिखाएंगे, काफ़ी खूबसूरत है। ऐसा लगेगा कि आप भी यहां पे आके बस जाएं, काफ़ी खूबसूरत जगह आपको लेके जा रहे हैं। गांव में ऐसे ही रहता है घर, देख सकते हैं खपड़ा परोस है और ये मिट्टी का घर बना हुआ है। देख लीजिए छोटा छोटा घर आपको मिलेगा देखने के लिए गांव में और पेड़ पौधा बेटा और काफी जंगल। अभी हम लोग और अंदर अभी घुसेंगे, रोड का पता नहीं, देख सकते हैं कितना खतरनाक रोड हम लोग आ गए हैं। बाकी दो बाइक आगे हैं और हम लोग पीछे अभी सबसे पीछे हैं और लोकेशन देख लीजिए, गुफा में जा रहे हैं। पे गांव के बच्चे लोग हैं, यहाँ पे छाव का मजा ले रहे हैं, आप पेड़ का देख सकते हैं। और हम लोग जिधर जा रहे हैं अभी, इधर चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। ये उत्तराखंड हम लोग का नहीं है, पहाड़ों की नगरी, ये हम लोग का गांव साइड ही मिल जाएगा, पहाड़ी पहाड़। जा रहे अभी और आगे और दिखाते हैं नजारा। तो चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दे काफी मेहनत के साथ। तो अभी हम बाइक के साथ जा रहे हैं आगे और हमारे साथ सानू भी है और पीछे दोस्त लोग भी है और आगे भी दोस्त लोग हैं और काफी मजा आने वाला है। और चारों तरफ हम लोग जिधर गांव हम लोग जा रहे हैं विजिट कर रहे हैं, तो उधर चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। आपको वीडियो में आगे जब देखिएगा तो काफी मजा आने वाला है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को क्या बोलते हैं, बेल आइकॉन या कुछ भी उसको ऑन कर दें, नया वीडियो आएगा आपको तुरंत मिलेगा। तो चलते आगे, हम लोग पूरा गांव में आ गए हैं और देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है आप देख सकते हैं। और इस तरह से ही खेती होता है और ये सेफ्टी के लिए कि जानवर अंदर न घुसे। और ये मकाई का खेती अभी लगा हुआ है और हम लोग जा रहे हैं आगे और कितनी खूबसूरत आप को दिखा रहे, काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और ये कुआं है चपकल एक साथ में जो कि गांव में ही मिलेगा देखने के लिए। ये सब ये खपड़ा परोस घर देख सकते हैं, काफी पुराना है। गांव में आप देख सकते हैं इस तरह से घर होता है और आगे भी अभी जाएंगे तो जा रहे अभी आगे और सारा मिट्टी का घर है इधर। ये मकई अभी लगा हुआ है, अभी काफी मतलब एक से दो महीना में भी फसल तैयार हो जाएगा। ये बांस उस इससे छेका जाता है क्योंकि जानवर
खेत में ना घुस सकें सेफ्टी के लिए, क्योंकि किसान काफ़ी मेहनत करता है, खेती करता है, बीज बोता है, अगर जानवर खा लेगा तो काफ़ी मतलब उसको दिल को चोट लगेगा, इसलिए ये सबको सेपरेट के लिए यहाँ पे छेक दिया जाता है। और यहाँ पे आपको धान का बिहान दिखाते हैं, जो कि पहले धान को बीज को बोया जाता, फिर थोड़ा सा धान निकलता, उसके बाद धान को रोपा जाता है, वो दिखाते हैं आपको, खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये धान का बिहान इसको बोलते हैं, पहले ये बीज होता है धान, उसके बोया जाता, फिर इतना ये निकलने के बाद इसको रोपा जाता है। तो आगे आपको दिखाते हैं, अभी ऐसा ऐसा करके ये बिहान अभी लगा हुआ है, अभी बरसात अभी नहीं हुआ है, इसके वजह से भी थोड़ा सा भी दिक्कत है। और जाते उधर अभी खेत जोता रहा है, अभी जा रहे हैं अभी आगे, वहाँ भी आपको दिखाते हैं, जा रहे हैं अभी आपको दिखाते हैं किस तरह से खेत को मतलब सॉफ्ट किया जाता है ज़मीन को, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा कठोर होता, उसको मतलब ट्रैक्टर चला के सॉफ्ट किया जाता है, उसके बाद ही फसल वहाँ पे मतलब खेती के लिए उपजाए ज़मीन जिसको बोला जाता है वो होता है। तो जाते भी आगे आपको दिखा रहे किस तरह से मेहनत करते हैं किसान, तो जा रहे आगे। यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़मीन को सॉफ्ट किया जाता है, उसके बाद ही यहाँ पे धान रोपाएगा। और काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि गांव में लोग बहुत आनंद और बहुत शांति के साथ यहाँ पे रहते हैं। और ये ज़मीन देख रहे कादो हो चुका है पूरा, ट्रैक्टर आप देख सकते हैं वहाँ पर ट्रैक्टर, इसी से खेत को सॉफ्ट किया जाता है। और हम लोग जंगल की ओर आगे अभी जा रहे हैं, अभी तक तो हम लोग पूरा सेफ्टी के साथ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, और दो बॉडीगार्ड पीछे हैं और दो आगे हैं, अब बीच में हम लोग जा रहे हैं। और देख सकते हैं काफी जंगल हम लोग आ गए, चारों तरफ पेड़ पौधे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा, और अंदर एक गुफा है और उस गुफा में हम लोग अभी जा रहे हैं और दिखाते हैं पूरा घना। हमारे सारे दोस्त लोग अभी अंदर जा रहे हैं कि अंदर क्या चीज़ है। और जो अभी पीछे ये राजन है, अम्मो जी कुछ कहना चाहो, कैसा प्लेस है और ये क्या सीन है, वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये आर के क्या कुछ कहोगे, और ये कैसा लग रहा है, मेरे साथ रहोगे तो एक से एक जगह अभी हम आपको घुमाएंगे। और हमारे से ये फ्रेंड लोग हैं, तो अभी हम लोग कछुआ का अंडा को खोजने के लिए अभी आए हुए अंदर। पिकनिक के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है, देख सकते हैं कितना अभी अंदर हम लोग जो उस टाइम हम लोग जो गुफा हम लोग जो एंट्री किए थे वही गुफा से ये पानी वो बाहर जाता है। इस गांव में हमें चारों तरफ कहीं पानी नहीं मिला और बहुत देरी के बाद और पानी मिल रहा, काफी शुद्ध पानी है, बहता हुआ पानी कभी भी गंदा पानी नहीं होता, आप जीने के लिए ये पानी आप पी सकते हैं। और लग रहा बिस्लरी भी फेल है, आई रियली आई लाइक दिस वाटर। जंगल घूमने के बाद अभी हम एक अच्छा प्लेस में आए हैं और काफी जबरदस्त नजारा है इस जंगल में और काफी मजा आने वाला है। और यहाँ पे एक नया प्लेस हम लोग खोजे हैं दोस्त लोग के साथ, नेक्स्ट टाइम हम लोग पिकनिक के लिए प्लेस में आएंगे। और अभी भी 6 लोग हम लोग आए हुए घूमने के लिए, काफी मजा आने वाला है। वीडियो में कंटिन्यू रहे हैं, इसी तरह का आपको सीन और नज़ारा पहाड़ आपको दिखाते रहेंगे, काफ़ी हरियाली है, बारिश के बाद और भी ज़्यादा हरा भरा ये जंगल हो गया है। और पानी के ये धार देख लीजिए, ये 365 दिन ये धार ऐसे ही रहता है, अब पूरा पानी कभी नहीं सूखता है। यस यस यस। और आरके भी जा रहे और अंदर जंगल, काफ़ी मज़ा और भी आपको वीडियो में मज़ा आएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और दिखाते हैं आरके कुछ कहना चाहोगे इस जगह का, इस जगह पर आए घूमने के लिए, यहाँ का लुत्फ उठा रहे हैं,
उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, आनंद आनंद ले रहे हैं इस जगह का आनंद। मछली उछली तो नहीं है, काफी अच्छा सीन है। अभी जाते आगे, बैठने के लिए अच्छा प्लेस है, आराम अभी कर रहा है, बट अभी हमको आराम नहीं करना है। और यहाँ से अभी मछली पकड़ेंगे और मछली अभी खाने का मजा लेंगे। यही लोकेशन में अभी हम लोग अभी घूमेंगे। और ये लोकेशन आप देखिए, बहता हुआ पानी है, काफी यहाँ पे मिठास पानी का है। और यहाँ पे घूमेंगे, इसके बाद हम लोग अभी बाहर जाएंगे।